जी, अभी जो MLC का मतदान होना है, इसको लेकर जो है क्या कुछ कहेंगे? हम महागठबंधन के उम्मीदवार हैं संजय कुमार जी, और 4 तारीख को वोटिंग होना है। हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हमको वोट डालेंगे जी, और विधान पार्षद भेजने का काम करेंगे जी। और जिस तरह से जदयू को लेकर जो है काफी एकदम टकराव चल रहा है, जदयू उम्मीदवार भी जो है दावे के साथ कह रहे हैं कि MLC चुनाव जीत रहे हैं हम, तो उस पे क्या मतलब कुछ कहिएगा? NDA का उम्मीदवार में तो अपने चारठोर लड़ रहे हैं वो लोग, आपस थोड़े एक आदमी वो लोग लड़ रहे हैं। हम महागठबंधन से अकेला संजय कुमार लड़ रहे हैं, हमारे साथ तो सारे लोग हैं, हमारे साथ RJD के लोग हैं, हमारे साथ कांग्रेस के लोग हैं, हमारे साथ लोजपा के लोग हैं, हमारे साथ CPI के, CPM के, माले के लोग हैं। हम महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, लेकिन NDA गठबंधन तो बिखरा हुआ है, 4 पार्ट में बटा हुआ है। सब अपने आप को कहते हैं कि हम जदयू के उम्मीदवार हैं, वो कहते हैं कि हम NDA के उम्मीदवार हैं, तो अपने आप को NDA का उम्मीदवार, जदयू का उम्मीदवार कहला रहे हैं, जो आप लोग जानते ही हैं, सब क्षेत्र में घूम रहे हैं। सब वो लोग अपना अपने वोट का बंटवारा कर रहे हैं, महागठबंधन का एक भी वोट बंटवारा नहीं हो रहा। हम मोशी के साथ और हमारे क्षेत्र के अंतर्गत में 75% से एवब त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हमारे साथ। संजय जी, भागलपुर और बांका में कहाँ पे आपको चुनौती लग रहा है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है? कहीं चुनौती नहीं है, जहाँ हमारे ऐसा पीरपैती ऐसा प्रखंड जो भागलपुर और बांका के जिला का सबसे बड़ा प्रखंड है, वहाँ हमको 99% वोट दे रहे हैं। हमारी जनता एक तरफ है, उनका कहना है कि हमने जिसको 12 साल MLC बना करके रखा, उन्होंने हमारे बारे में एक शब्द भी विधान परिषद में उठाने का काम आज तक नहीं किया। और जब संजय कुमार 2003 से 2009 तक विधान पार्षद थे, तो हमने अपने त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको हक अधिकार दिलाने का काम किया, उनके वेतन भत्ता के लिए लड़ाई लड़ करके लागू कराने का काम किया। संजय जी, कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में? ना, क्योंकि तेजस्वी यादव भी ओवर कॉन्फिडेंस थे, जिसकी वजह से सरकार नहीं बनी। तेजस्वी जी की सरकार इसलिए नहीं बनी कि बेईमानों ने उनकी सरकार नहीं बनने, जो बेईमानी करके उनको हराने का काम किया और चोर दरवाजा से लोग विधानसभा में घुसने का काम किया। इस बार वैसा जनता नहीं करेगी, और इस बार हमारे युवाओं लोग जीत करके आए। त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत में 80% हमारे युवा वर्ग के जीत करके आए, और युवा वर्ग के दिल में तेजस्वी के प्रति एक सहानुभूति है, लहर है उनके प्रति, और सारे जनप्रति हमारे साथ वोट करें। थैंक यू सो मच सर। अभी जो है मतलब क्या, मतलब पंचायत अनुसार क्या मतलब जो है रहा परफॉर्मेंस बतौर आपका MLC उम्मीदवार जो है पूरे भागलपुर और बांका के मतलब प्रखंड अंतर्गत जितने भी पंचायत है, क्या मतलब रुझान दिखने के? देखिए, हम भागलपुर से बांका में करीब 425 के लगभग पंचायत जी, और मैंने लगभग 400 पंचायत मैंने घुमा है, और अपने त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से अपार समर्थन मिला। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां के हमारे वार्ड सदस्य, मुखियागण और पंचायत समिति और हमारे जिला परिषद के लोग एकमुष्ट होकर के जो हमारे लड़ाई लड़ने के लिए, जो उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, वो हमारे साथ है। और कोई भी उम्मीदवार को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो 400 पंचायत नहीं घूमे, और मैं सभी के लोगों को डोर टू डोर जाकर के मिलने का काम किया, और सबों ने मुझे आश्वासन देने का जी। थैंक यू सो मच संजय जी। थैंक यू। रुझान दिखने को मिल रहा है MLC को लेकर जो है पूरे भागलपुर और बांका सहित। यहाँ भागलपुर में कम्युनिस्ट और राजद के समर्थित उम्मीदवार संजय यादव जी, जो एक विद्वान है, कॉलेज चलाते हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम समझते हैं कि उनके लिए